ओम शांति। संकल्प शक्ति के प्रयोग को लेकर पुनः प्रस्तुत हैं हम आपके समक्ष। हमें विश्वास है आपको नए नए आइडियाज मिल रहे हैं। आज मैं आपके सामने दो बहुत ही सुपर क्वालिटी की बातें रखने जा रहा हूं। ध्यान देंगे इन बातों पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करके, अपने अंतर मन की शक्ति का प्रयोग करके हम अपने भविष्य को, अपने चारों युगों को बहुत सुंदर बना सकते हैं। पहली चीज, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। रोज वो चाहता है आज मेरा दिन खुशियों में बीते। तो आप एक छोटा सा प्रयोग करें, आपको सुंदर अनुभव होने लगेंगे। ये सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे उठें, वैसे ही पहले 5-7 मिनट में आप सुंदर संकल्प कर लें, मेरा आज का दिन ऐसा होगा जैसा आप अपने दिन को देखना चाहते हैं। आप 5-7 बातें लिख सकते हैं अपने कागज पर, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, जैसे आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज जो भी मेरे पास आएगा वो मुझसे प्यार की सुंदर फीलिंग लेकर जाएगा, आज मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आज मेरा ये रुका हुआ काम बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, आज मेरा जीवन किसी भी विघ्न से मुक्त बीतेगा। वैसे संकल्प सवेरे उठकर ये संकल्प 3 बार कर लें और बहुत अच्छा विश्वास रखें अपने में कि जो संकल्प मैंने सवेरे सवेरे किए हैं वही होगा। तो आपको पहले दिन से बहुत गुड रिजल्ट मिलने लगेगी। हो सकता है पहले दिन आपको 25% रिजल्ट ही मिले। आप अपने विश्वास को बढ़ाते चलें और सवेरे उठकर ये संकल्प देते चलें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो कमांड के रूप में इन्हें स्वीकार करने लगेगा। लेकिन जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपके इन सभी बातों में सफलता का आधार होगा आपकी पॉजिटिविटी, सबके प्रति आपकी शुभ भावनाएं, आपके मन में निगेटिव संकल्प न रहें और आपका चित्त एकाग्र हो। और अगर आप बहुत अच्छे योगी हैं, आप सवेरे बहुत अच्छा योग करके योग के एंड में भी ये संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग में भी मन एकाग्र हो जाता है और कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड फुल्ली वर्क करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो बहुत सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। एक बात, आप सबको ये बात क्लियर अवश्य हो गई होगी। दूसरी बात, एक बड़ी चीज है इस संसार में, हर व्यक्ति को अपना देह छोड़ना है। एक समय आएगा जब हम इस देह का त्याग कर अपनी यात्रा दूसरे शरीर में जाने के लिए शुरू करेंगे। तो हर मनुष्य चाहता है उसका अंत सुहेला हो, सुखद हो। आप देख रहे हैं बहुत लोग अंतिम क्षणों की इंतजार करते हैं हॉस्पिटलों में, बहुत लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं मृत्यु तक पहुंचने में, बहुत लोग दूसरों से बहुत ज्यादा सेवाएं ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। आप सब इन बातों को रोज संसार में देख रहे हैं। किसी का अंत बहुत ही खतरनाक हो रहा है, कोई घुट घुट कर मर रहा है, किसी के तन से आत्मा निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पाती। हम जानते हैं ये सब कर्मों का खेल है। जिसने पुण्य बहुत अच्छे किए हैं उसका शरीर सहज छूटता है, और जिसका पाप का खाता बहुत बड़ा हुआ है उसको बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में मनुष्य के सामने वो सब कुछ आने लगता है जो उसने पूरा जीवन किया है, बल्कि वो भी सब आने लगता है जो जन्म जन्म किया है। तो पहले तो पुण्य बहुत अच्छे करने हैं। पुण्य के साथ हम अपने अंतिम समय की देह छोड़ने की एक विजन बनाएं और कुछ संकल्प भी भरने लगें सबकॉन्शियस माइंड में। सवेरे सवेरे या योग में बैठने के समय जब हमारा
चेतन मन पूरी तरह शांत हो जाए। तो आप विजन बना लें, हम प्रभु की याद में बैठे हैं, बहुत सुखद फीलिंग में बैठे हैं और आत्मा देह छोड़ के निकल गई। आप विजन बना लें, देखिए सबसे अच्छी मृत्यु उसे कहते हैं जब हम स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ें, जब हम एक की याद में रहते हुए उसे बातें करते हुए शरीर छोड़ें, हम सोल कॉन्शियस हो गए हों, हमें ये रियलाइज हो गया हो कि अब मुझे ये देह छोड़ना है और अपने परम पिता के पास जाना है, उससे बातें करने लगे, हम सब कुछ छोड़ कर अब आपकी गोद में आ रहे हैं शिव बाबा, और आत्मा गई। यह है सर्वश्रेष्ठ स्थिति, लेकिन ये स्थिति उन्हें ही प्राप्त होगी जो लंबे काल से योग का अभ्यास करते होंगे, जिन्होंने अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लिया होगा, जिन्होंने अपने मोह ममत्व को जीत लिया होगा। बाकी आप संकल्प कर सकते हैं, मेरी मृत्यु ऐसे हो कि मुझे अंत में किसी की सेवा की जरूरत न पड़े, मैं हंसते हंसते देह छोड़ूं, मेरी मृत्यु किसी भयानक बीमारी से ना हो लेकिन सहज भाव से मैं इस देह का त्याग करूं, मैं एक पुण्य आत्मा हूं। तो अपने अच्छे अच्छे विजन बना लो, मैं सेवा केंद्र पर गई हूं, गया हूं, मैं बाबा के रूम में बैठा हूं, योग लगा रहा हूं और आत्मा उड़ गई अपने धाम। या आप चित्र बना लें, यदि आपको ईश्वरीय महावाक्यों से बहुत प्यार है, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, भगवान के महावाक्य चल रहे हैं, मेरी स्थिति बहुत सुंदर है, बहुत खुशी है मन में, और मैं देह से आत्मा निकल कर उड़ गई अपने बाबा के पास। ये बहुत सुंदर विधि है, आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। मैं एक दूसरी बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आज, और वो ये है, आप अपना हर जन्म कैसा देखना चाहते हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं अधिकतम, हम इस सृष्टि के हीरो एक्टर भी हैं, बड़े बड़े काम हमने इस सृष्टि रंगमंच पर किए हैं। अगर आपको ये पता है, अगर आपको इसमें विश्वास है, तो आप सुंदर विजन दें अपने को, मेरा हर जन्म ऐसा हो। कैसा? मेरे हर जन्म में मेरे सिर पर ताज हो, हर जन्म में मैं दूसरों के काम आती रहूं, आता रहूं, मेरा हर जन्म परोपकार में बीते, जब मैं सम्राट बनूं, राजा बनूं, विश्व महाराजन बनूं, तो सारी प्रजा सुखी रहे, सबको सुख देता चले, जन्म जन्म मेरे अन्न के धन के भंडार भरपूर हों, जन्म जन्म मेरे पास श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धि रहे, जन्म जन्म मैं धर्म के कार्यों में लगा रहूं, जन्म जन्म मैं अपने देश के और संसार के काम आता रहूं। ऐसे सुंदर संकल्प आप सवेरे उठकर भरें, इसकी भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, 15-16 संकल्प कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरने लगें सवेरे उठकर आप उन विचारों को। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजन भी देते रहें, कभी मेरे सिर पर डबल ताज है, कभी ताज है, मैं तख्त पर विराजमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा हर जन्म सुख शांति संपदा से भरपूर है, मैं हर जन्म में देने वाला हूँ, हाथ देने वाले रहें, सदा ही देता रहूँ, मैं महादानी रहूँ हर जन्म में, मैं गरीबों को अन्न बांटता रहूँ हर जन्म में, मैं सबको सुख बांटता रहूं, मेरा हर जन्म बहुत चरित्रवान रहे, मेरे हर जन्म में संबंधों में बहुत ज़्यादा प्यार रहे, अपनापन रहे, मैं सुख देता रहूं, सुख लेता रहूं, प्यार भरा मेरा जीवन हो, बुद्धि मेरे पास बहुत श्रेष्ठ हो, मेरी ग्रहण शक्ति बहुत श्रेष्ठ रहे, हर जन्म में मेरे विचार बहुत महान हो। समझ गए होंगे आप, हम हर जन्म को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं यहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि इस समय हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है,
हमारा संपर्क संबंध स्वयं भगवान से है। हम भगवान की शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं, उसके ज्ञान से अपनी बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं। तो हमारे पास ये क्षमता है अब कि हम अपने हर जन्म के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। हम मास्टर भाग्य विधाता भी हैं और श्रेष्ठ भाग्य के धनी भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग आज से आप शुरू कर दें, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा और जीवन जीने का सुख भी बहुत मिलेगा। ओम शांति।